माता दी दोस्तों, शक्ति की आराधना के बेहद खास दिन यानी कि नवरात्रों में शक्ति पीठ के दर्शन का फल आम दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि इन दिनों को माँ की आराधना के लिए बेहद खास माना गया है। इसलिए नवरात्र भर पूरे देश भर में माता रानी के मंदिरों और धामों में भक्तों का तांता लगा रहता है। हमारी कोशिश ये है कि अपने चैनल के माध्यम से हम आपको घर बैठे कुछ प्रमुख शक्तिपीठों के दर्शन नवरात्र भर करा सकें। इसी कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं माँ कांगड़ा देवी के दर्शन कराने। ये शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती का दाहिना वक्ष गिरा था। इसके अलावा ये धाम माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर और नगर कोट के नाम से भी विख्यात है। हिमाचल के इस पावन स्थल पर माता एक पिंडी के रूप में विराजमान है और भक्तगण इस पिंडी की ही देवी के रूप में पूजा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर में और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं और मंदिर के बाएं तरफ भैरवनाथ की एक मूर्ति स्थापित है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां तीन धर्मों के प्रतीक के रूप में माँ की तीन पिंडियों की पूजा की जाती है। कांगड़ा का ये ब्रजेश्वरी मंदिर माँ का एक ऐसा धाम है जहाँ पर माँ की एक झलक से ही भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पहाड़ों को नहलाती सूर्य देव की ये पवित्र किरणें और सुबह के आगमन पर सोने सी दमकती कांगड़ा की विशाल पर्वत श्रृंखला को देख ऐसा लगता है कि मानो माँ के किसी भक्त ने घाटी पर सोने की छत ही मर दी हो। मान्यताओं के अनुसार जब विष्णु भगवान ने भोलेनाथ के क्रोध से ब्रह्मांड को बचाने के लिए देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद जहां भी देवी सती के गहने और शरीर के अंग गिरे वो जगह शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गई। कहा जाता है कि यहां पर माँ का दाहिना वक्ष गिरा था। माँ ब्रजेश्वरी या कांगड़ा माई के नाम से पूजा जाता है। माँ ब्रजेश्वरी देवी के इस शक्तिपीठ में हर रोज माँ की 5 आरती होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले माँ की शैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात के श्रृंगार में ही माँ की मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के बाद रात में माँ का श्रृंगार उतार कर उनकी तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद पीले चंदन से माँ का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चना, पूड़ी, फल और मावे का भोग लगाकर माँ की आरती संपन्न होती है। खास बात यह है कि दोपहर की आरती और माँ को भोग लगाने की रस्म को यहाँ गुप्त रखा जाता है। दोपहर की आरती के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। तब श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही बने एक विशेष स्थान पर अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। मान्यता है कि यहाँ बच्चों का मुंडन करवाने से माँ बच्चों के जीवन की समस्त आपदाओं को हर लेती हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान भैरव का भी मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में महिलाओं का जाना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। यहाँ विराजे भगवान भैरव की मूर्ति बड़ी ही खास है। कहते हैं जब भी कांगड़ा पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इस मूर्ति की आंखों से आंसू और शरीर से पसीना निकलने लगता है। कहते हैं जो भी भक्त मन में सच्ची श्रद्धा लेकर माँ के इस दरबार में पहुँचता है उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। फिर चाहे मनचाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की लालसा, माँ अपने हर भक्त की मुराद जरूर पूरी करती हैं। माँ के इस दरबार में 5 बार आरती का विधान है, जिसका गवाह बनने की ख्वाहिश हर भक्त के मन में होती है। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं माता ब्रजेश्वरी की आरती के साथ। जय माता दी। Yeah, I'm going to go to the house.
हिमाचल सुतनाम सैत्रेत्री रूपम देहि माहेश्वरीन मंत्रम अन्नपूर्णान वर्षे अन्नपूर्णे अन्नपापतने रूपे हर प्रिये तरा काष्ठे अन्नपूर्णान वर्षे उद्मानो शास्त्रावे Thank you.